टुडे वी डिस्कस अबाउट नर्सिंग प्रोसेस। प्रीवियस क्लास में अपन ने देखा था नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक एंड बेसिक। नर्सिंग प्रोसेस इज अ सिस्टमेटिक डायनामिक कंटीन्यूअस प्रोसेस है जो ओवरऑल लाइफ थ्रू प्रोसेस चलता है। इसमें जो नर्स होती है वो पेशेंट को एक्सीलेंट केयर प्रोवाइड कराती है। उसमें पेशेंट की जो कंडीशन क्या होगी, पेशेंट को जैसे उसकी पेशेंट को तो फीवर आ रहा है तो फीवर रिलेटेड कंडीशन का मतलब उसके पेशेंट को सिम्टम और उसको रिलीव करने के लिए अपन देखते हैं नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है। नर्सिंग प्रोसेस में अपन इसकी डेफिनेशन देखी, कैरेक्टरिस्टिक जो प्रोसेस, और इसमें फिर अपन ने देखा कि इसको नर्सिंग जो नर्स है उसको पेशेंट को कैसे केयर देती है, प्रोवाइड कराती है, एक्सीलेंट केयर प्रोवाइड कराने की। फिर उसमें अपन ने देखा इसके फेजेस क्या होते हैं। फेजेस के अंदर इसके अंदर फाइव फेजेस होते हैं। फर्स्ट वन इज द असेसमेंट फेज, सेकेंड फेज इज द अपने डायग्नोसिस फेज, थर्ड फेज अपन ने देखा इसमें प्लानिंग फेज होता है, फोर्थ फेज इसमें इम्प्लीमेंटेशन फेज होता है, फिफ्थ वन इज द इवैल्यूएशन फेज। अपन ने फर्स्ट फेज डिस्कस कर चुके अपने और डायग्नोसिस फेज पे अपन सेकेंड फेज पे डिस्कस। असेसमेंट के अंदर इसमें पेशेंट का असेसमेंट करती है नर्स की, असेसमेंट इसमें जैसे सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा असेस करना पेशेंट को, जैसे कोई प्रीवियस हिस्ट्री लेना पेशेंट की या कोई मेडिकल हिस्ट्री या कोई कंडीशन रिव्यू, जो उसमें नर्स असेस करती है। ऑब्जेक्टिव के अंदर जो अपन ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट के अंदर जो सिम्टम आ रहे पेशेंट को, पैटर्न से पेन कितनी, सीवियरिटी कितनी, वो अपन ऑब्जर्व करते हैं। अपन इसमें डिस्कस कर सकते हैं इसमें डायग्नोसिस, नर्स क्या डायग्नोसिस करेगी पेशेंट को, जैसे किसी को पेन हो रहा है तो उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसकी सीवियरिटी कितनी है, वो अपन डायग्नोसिस में अपन प्लान आज अपन पढ़ेंगे। प्लानिंग थर्ड इसका प्रोसेस, इसके अंदर प्लानिंग के अंदर अपन जो नर्स है वो एक प्लान करेगी कि पेशेंट को कैसे केयर देनी है, एक्सीलेंट केयर देनी है, प्लान एक प्लान करेगी। प्लान के अंदर अपन देखेंगे पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको अपन केयर देंगे। प्लान के अंदर इसमें नर्स उसकी जो कंडीशन है वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म हो सकते हैं, उसका गोल जो अचीव करने के लिए इसमें पेशेंट की अकॉर्डिंग कंडीशन केयर दी जाएगी। इसमें अपन प्लान करेंगे कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, इसको अपन कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको अपन को प्लान करना है। फिर इसके अंदर पेशेंट की जो लिमिटेशन है और कंडीशन उसको सबको दूर करना है। उसके बाद अपन देखते हैं फोर्थ वन इज द इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ये देखेंगे जो अपन ने प्लान किया है उसको अपन कैसे इम्प्लीमेंट करके पेशेंट को केयर दे सकते हैं। फिर उसके अंदर अपन इम्प्लीमेंट करेंगे कंडीशन के अकॉर्डिंग पेशेंट की, उसको अपन प्लान करेंगे। जो प्लान है उसमें अपन ने प्लान किया पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग, उसमें फिर पेशेंट की कंडीशन कैसे इम्प्रूव की जा सकती है उसमें अपन स्टेप बाई स्टेप इसको प्लान इम्प्रूव करेंगे। प्लान करने के बाद में अपन ने नर्सिंग पेशेंट की केयर ली थी मैक्सिमम लेवल, जो पेशेंट का एक प्रोफेशनल नर्स है उसके जो स्किल्स है वो उसको इम्प्लीमेंट करेगी उसके अंदर और पेशेंट को एक्सीलेंट केयर प्रोवाइड करेगी। फिफ्थ वन अपन ने इसके अंदर इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन इज द लास्ट स्टेप, इज द मतलब लास्ट स्टेप है नर्सिंग प्रोसेस का। जो आउटकम है उसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें जो पेशेंट की रेटिंग है, ग्रेडिंग है और पेशेंट को अपन कैसे जजमेंट करेंगे, जो प्लान है वो प्रोवाइड ऑन द बेसिस ऑफ द इवैल्यूएशन उस पर करेंगे। दिस इज ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसमें जो थ्रू आउट द पेशेंट फेजेस है उसको अपन नर्सिंग प्रोसेस के अंदर इंक्लूड किया है। जो इसमें डिटर्मिनेशन जो पेशेंट के गोल है उसको इफेक्टिवनेस कैसे अपन नर्सिंग केयर के अंदर इफेक्टिवनेस केयर दे सकते हैं, और जो जजमेंट और इफेक्टिवनेस केयर है उसको मीट को जो क्लाइंट के गोल है उसको कैसे अपन इम्प्रूव करेंगे वो देखेंगे। इवैल्यूएशन के अंदर जो नर्स है उसके जो स्किल्स है, जो उसके नॉलेज ऑफ द प्रैक्टिस है, स्टैंडर्ड है, उनको अपन कैसे अवेयरनेस एंड द ओपन माइंडेड उसको अपन उसके जो प्लान उसको इम्प्रूव करें। ये सब करने के बाद अगर अपना जैसे अपन ने नर्सिंग प्रोसेस देखा, उसके फेजेस देखे, असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, अपन एक नर्सिंग केयर प्लान डिस्कस करते हैं। इसमें नर्सिंग केयर प्लान के अंदर पहले अपन असेसमेंट देखेंगे, उसके बाद डायग्नोसिस, उसके बाद प्लानिंग, फिर इम्प्लीमेंटेशन एंड देन इवैल्यूएशन। फर्स्ट अपन ने देखा असेसमेंट, असेसमेंट के अंदर सब्जेक्टिव डाटा, सब्जेक्टिव डाटा मतलब पेशेंट जो अपने को कंप्लेन कर रहे हैं कि मेरे को एब्डोमिनल पेन हो रहा है, ठीक है, पेशेंट अपने को बताए एब्डोमिनल पेन हो रहा है, ये सब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर अपन ने क्या ऑब्जर्व किया पेशेंट के अंदर, अपन ने ऑब्जर्व किया कि पेशेंट को पेन की कितनी सीवियरिटी हो रही है, कहाँ पर पेन हो रहा है, पेन रेडिएट हो रहा है और पेन की इंटेंसिटी क्या है, ये अपन ने ऑब्जर्व किया, ये अपना ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। देन अपन ने नर्सिंग डायग्नोसिस क्लियर किया कि पेशेंट को एक्यूट एब्डोमिनल पेन हो रहा है, किससे रिलेटेड हो रहा है, गैस्ट्रिक एसिड की वजह से हो रहा है, जैसे पेशेंट को
हाइपर एसिडोसिस हो रहा है उसकी वजह से जो एब्डोमेन का मतलब स्टमक की लेयर है, म्यूकोसा लेयर, उसके अंदर एसिड ज़्यादा हो गया, इसकी वजह से पेशेंट को पेन हो रहा है। फिर अपन इसके अंदर प्लानिंग क्या करेंगे, अपन प्लानिंग करेंगे, पेशेंट की कंडीशन देखेंगे, पेशेंट की कंडीशन असेस करेंगे, देन पेशेंट को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब मेडिसिन है जैसे नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग एंड नॉन स्टेरॉइड में क्या आ गया, जैसे एग्जांपल पीसीएम आ गया, पैरासीटामोल, डैक्स, एस्पिरिन। इसके अंदर एस्पिरिन और पेशेंट को इससे जो म्यूकोसा है वो इरिटेशन होगा, इसलिए पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि ये मेडिसिन अवॉइड करें। फिर अपन अवॉइड स्मोकिंग, अदर जैसे पेशेंट स्मोकिंग कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा पेशेंट को प्रॉब्लम होगी। देन ये जो प्लानिंग अपन ने की, देन इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, जो पेशेंट को डॉक्टर ने नॉन एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग लिखी है पीसीएम, उसको अपन पेशेंट कहेंगे इसको अवॉइड करना, नहीं तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती है। देन एडवाइस करेंगे अवॉइड करेंगे स्मोकिंग के लिए पेशेंट को कि ये स्मोकिंग बंद करके, नहीं तो ज़्यादा अपने को प्रॉब्लम हो सकती है। फिर अगर ये सब फुलफिल हो जाता है देन जो अपना आउटकम आता है इवैल्यूएशन, जैसे पेशेंट को एब्डोमिनल पेन में रिलीफ मिल गया, अपना ये ऑब्जेक्टिव था और ये गोल अपना अचीव कर लिया, ये अपना एक नर्सिंग केयर प्लान है जो अपन ने डिस्कस किया।